हेलो दोस्त, रेलवे एग्ज़ाम न्यूज 2024। आज से 2 2.5 घंटे पहले बनाए थे लेवल सिक्स सिक्स लेवल वन का 6 DB आ गया है, यानी ग्रुप डी जो पहले कहा गया था अब ग्रुप सी में हो गया, उसका 6 DB मुंबई का आ गया है, जिसमें सभी कैंडिडेट OBC का है। उसमें आवाज़ नहीं आया था लोगों का, कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा। अपलोड करने के बाद पता चला कि उसमें साउंड ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अब डिस्कस करेंगे, सेंट्रल रेलवे का तो आ गया है, WR का कुछ थोड़ा अपडेट है 2/2018 से, जिसको हम नया भर्ती से जोड़ के देखेंगे कि नया भर्ती आने पे क्या पुरानी प्रोसेस क्लोज हो जाती है। ACR में आपका मेडिकल के लिए आया है, और ER में आपका GDC और एक छोटा सा अपडेट है। ये सारा अपडेट एक साथ लेके इस वीडियो में जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुंबई की ही बात हो जाए, क्यों नहीं, क्योंकि वीडियो बना था उसका साउंड नहीं आया था, जिसमें 6 dB आया था, और 6 dB में 112 प्लस कैंडिडेट OBC के, तीन या चार कैंडिडेट, छः कैंडिडेट AC के, और एक या दो कैंडिडेट आपके ST कम्युनिटी के है। तो यानी टोटल टोटल कहें 112 ये OBC का है, टोटल इसी की बात कर रहे थे। कुछ लोगों का सवाल था कि इसके बाद भी पैनल आएगा, तो बिल्कुल आएगा, आप घबराइए नहीं। आज के डेट में ये जो आ गया है DB, तो DB के बाद DB होगा, फिर पैनल होगा, और प्रोसेस चलते रहेगा, क्योंकि अब सीटें कम होते जाएगी लेकिन प्रोसेस चलते रहेगी। 21 तारीख को DB में बुलाया गया है, 21 को और 22 को। 21 तारीख का DB वाला में डिटेल में देखेंगे तो 21 मई में पहला कैंडिडेट आपका UR का मिले, आपका OBC का मिलेगा, और आखिरी कैंडिडेट जो 21 तारीख का जो 62वां होगा वो भी आपको OBC ही मिलेगा। यानी टोटल कैंडिडेट OBC के 21 तारीख के DB में जा रहे हैं। 22 तारीख के भी पहला कैंडिडेट OBC के मिलेंगे, और 22 तारीख का 50वां कैंडिडेट जो होंगे वो भी OBC से मिलेंगे। यानी 62+50, यानी टोटल कहें एक बार 6 5 11 112 कैंडिडेट OBC के यहाँ से आ गए, और टोटल OBC का पैनल है, DB है सॉरी। उसके बाद नॉन PWD यानी PWD में देखेंगे तो कुछ आपका AC कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ST के हैं, और 4 OBC के कैंडिडेट हैं, टोटल 11 कैंडिडेट हैं। तो ये आपका 6 DB का शेड्यूल है। इसके बाद लोगों का सवाल है कि और भी DB आएगा, तो अभी रिप्लेसमेंट यहाँ बचा हुआ है, तो अभी अभी आएगा, अभी आपका 7 DB भी आएगा और 8 DB भी आएगा। अब धीरे धीरे इशू ये है कि संख्या कम होते जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएंगे। अब इस DB में OBC का कटअप कितना कम हुआ होगा, तो देखिए मैं बोला था 0.3 से लेकर 0.4 के समथिंग में, इसी के आसपास कटअप कम हुआ होगा, क्योंकि 112 कैंडिडेट आए हैं और अब ये नीचे पे आ गया है। इससे पहले भी आपका DB हो चुका है कई सारा, और कई सारा DB में OBC का भी 4, 5 और 3 में ठीक ठाक संख्या था, इसलिए मैं ये ज़्यादा रख रहा हूँ। अगर ये 2nd DB होता, 3rd DB होता, तो 0.12 से लेके 0.2 तक कटअप कम होता। तो चलिए मुंबई में अभी वेट कीजिए, अभी और आएगी, लेकिन समय लग रहा है, ये कैंडिडेट के साथ इश्यू है। अब अगले में चलते हैं, अगला RRB की बात करेंगे, तो अगला RRB हम देख लेते हैं WR का। WR में जो हम कह रहे हैं कि नया वैकेंसी आने पर रिक्रूटमेंट क्लोज हो जाती है, तो इन जनरल तो क्लोज हो जाती है, लेकिन स्पेशल केस में आते रहता है। वैसे ही प्रोविजनल पैनल 15 आया था दिसंबर के आसपास, और रिप्लेसमेंट पैनल 6 आया था, उससे पहले प्रोविजनल पैनल पार्ट 14 आया था, जो आपका 1/18 का, वो दिसंबर 23 तक आया है। तो इसको आप देखेंगे, आप इसको नोटिस को मैं नहीं ओपन करूंगा, लेकिन आप देखेंगे तो देखिए जब ये आया है एक्चुअली, अगर डेट के रूप में देखें, मैं एक बार आपको डेट के रूप में दिखा दूँ, मेरे पास है, अगर डेट के रूप में देखें, ये जब खाली डेट को समझने के लिए है कि जिस डेट को आया था ये 27/12/2023, इससे पहले आपका 1/2019 का पैनल आते जा रहा था कुल मिला के। तो अगर कहें कि इसका DB अभी अभी चल ही रहा है, यानी किसी किसी का ज़रूरत पड़ने पर पीछे से भी दिया जा सकता है, बशर्ते उसकी अप्रूवल और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रहता हो। तो चलिए ये बंद कर लिए, अब आते हैं अगले RRC की बात करते हैं, एक मिनट, अगला RRC हमारे पास आएगा, वो आएगा एक मिनट, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे देखिए एक डिटेल आया है, जो कैंडिडेट मेडिकल से रिलेटेड थे उनके लिए पूरा अनफिट का आया है, और ये अनफिट वो लोग हैं जो 2nd
और थर्ड डीबी में गए थे उनकी फिट लिस्ट है, इनको भी देखेंगे तो इनमें डिटेल आपको दिख जाएगा सारा एक एक करके कितने कैंडिडेट का नाम है। एक मिनट, एक यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा टोटल इसमें 15 कैंडिडेट का लिस्ट है। और ये लिस्ट कब का है तो एक दो दिन पहले का है, 6 तारीख का हुआ है और 7 को इनको अपील करने का टाइम दिया है, लेकिन इनको फाइनल अनफिट लिख दिया है, ना B1 बना C1 ना कुछ। तो ये एक कैंडिडेट के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन अपडेट है तो देना ही पड़ता है। उसके अलावा ER का GDC अच्छे पोस्ट का GDC आया हुआ है, जो इतना बढ़िया GD पोस्ट का आता नहीं है इतने लोगों का, जो नोटिफिकेशन ऑफ GDC A/24 वो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, इसको अच्छा से कर सकते हैं। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो समझिए एक अच्छा पोस्ट होगा और इसको ले अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई भी कैंडिडेट है। ये NTPC का Level 5 है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ट्रेन मैनेजर गुड गार्ड्स वाला है, तो एक अच्छा सुनहरा अवसर है जो कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे में काम करते हैं और उन्हें अगर ये जॉब में जाना है। इसका टाइमलाइन भी है, 6 तारीख को डिटेल दे दिया है आपका, 6/9/24 तक इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट को RRC ऑफिस भेजने की बात कर रही है। पेपर का डेट भी दे दिया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट एप्लीकेशन 8 तक हो जाएगा, और उसके बाद आगे लास्ट डेट फॉर पर्सनल ब्रांच फॉरवर्डेड एप्लीकेशन वगैरह क्या हो गया, यानी अभी ज्वाइनिंग वगैरह में तो टाइम लगेगा, लेकिन 108 पोस्ट आ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, उसमें टाइम भी हो गया और एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अभी पिछले एग्जाम्पल में मैं दिलाया था कि कई जगह OBC का GDC में नहीं रहता है। कोलकाता में देखिए OBC भी है, UR भी है, SC ST भी है, EWS छोड़ के सारा का है। लेकिन अगर हमने अगर कल दिखाए थे SWR हुबली का, तो वहाँ पर OBC का कोई सीट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल UR SC ST का ही सीट केवल मिलेगा। तो हर जगह अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो होता है, पता नहीं इनकी कंडीशन क्या होती है, वो है कोई लोग एलिजिबल वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज का पूरा अपडेट था, चारों RRC का मैंने एक एक अपडेट था जिसको आपको ला लिया, उसमें सबसे बड़ा सेंट्रल रेलवे का था। थैंक यू, धन्यवाद।